भी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,925 पर ट्रेड कर रहा है, 1.25% की करेक्शन है, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 6,035 पर 1% की करेक्शन के साथ। रूपा जी, जब कल की क्लोजिंग हुई थी हमने देखा था कि जो ग्वार गम है उसमें 11,100 के ऊपर का लेवल देखने को मिला था, यानी कि 10,900 के ऊपर सस्टेन होता नजर आया था, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक बार फिर से 10,900 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में ग्वार गम और ग्वार सीड में यहाँ से कीमतों को कुछ सपोर्ट मिलता नजर आ पाएगा? भैया टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो अखिलेश 10,000 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं होता तो बिल्कुल इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और ग्वार सीज के अंदर 6,980 के आसपास का है, जबकि इसने वो लेवल आज तोड़ते हुए दिखाई भी दिया है, तो थोड़ा सा प्रेशर जो है वो घेराता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार दबाव में आ रही है अभी ये कमोडिटी, क्योंकि इसके अंदर देखिए जो प्राइजेस थे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ कुछ माल निकालना शुरू कर दिया जिसके चलते प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत बाजार करेक्शन में जा सकता है लेकिन वापस से उठता हुआ भी दिखाई दे सकता है, कोई बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपायरी भी है, इस वजह से पोजिशनें भी स्केयर ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से गिरावट गहरा सकती है जी। तो यानी कि अभी ग्वार के अंदर कुछ ज्यादा खास तेजी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ग्वार में जो ट्रेड है अभी वो हाल फिलहाल में जैसा अभी चल रहा है नरमी वाला, वो अभी ऐसे जारी रह सकता है।